तो दोस्तों हम जा रहे हैं आज कुछ अच्छा साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था, कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा था। हाँ, और बज गए 10। मेरे को पता भी नहीं है कि हम पहुंचेंगे तब खुला होगा या बंद हो गया होगा, पर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे राजेंद्र प्लेस में, एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन है एंड इट्स अ थीम बेस्ड रेस्टोरेंट। तो हम पहुंचते हैं वहां पर, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है और कैसा एम्बियंस है। तो बने रहो हमारे साथ। पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, इट्स पद्मनाभम। भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। पर दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस एंड इट्स हम आ गए हैं और हम भी हमने नाम तक नहीं देखा था। नहीं, मैंने नाम देखा पहले था। ये इमली रेस्टोरेंट के नाम से था, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। ये फ्रेंचाइजी ही चेंज हो गई है, नाउ इट्स नो लॉन्गर इमली, इट्स कंप्लीटली साउथ इंडियन फ्रेंचाइजी पद्मनाभम। Women. तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, इट्स पद्मनाभम। थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है एंड इट्स अ थीम बेस्ड रेस्टोरेंट। ये है अपनी ट्रेन की थीम, तो ट्रेन में बैठ के खाएंगे साउथ इंडियन खाना मस्त सा, बाकी बहुत अच्छा है और फाइन डाइनिंग है गाइस। सो मिल गया है टेबल, काफी रश है। ये है इनका मेन्यू, तो गाइस यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है, मतलब जो फेमस टेंपल्स हैं साउथ में, ठीक है यार, काफी अच्छा है, मतलब टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को कैरी किया हुआ है इन लोगों ने। ये देखो दशावतारा, क्या बोला तूने? एंड ये भोजनम जो है ना, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। सो एक सॉर्ट ऑफ ये पूरी थाली आती है एंड नो शेयरिंग इज अलाउड, और इसमें ये बनाना लीफ पे सर्व करते हैं पूरा खाना। दिस इज वेरी नाइस थिंग। और मम्मी तुम्हारी ब्लॉगिंग पे हंस रही है। ये देखो मेरी मम्मी हंस रही है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, पागल हो गया, हिल गया इसका। बात तो सही है। चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मंगाता हूँ फिर बताऊँ। सो गाइस हम यहाँ पर बहुत लेट आए हैं क्योंकि थोड़ा बिजी थे, और 10:30 हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इनकी किचन क्लोज हो जाती है 10:45 पे, तो बस हमारा लास्ट ऑर्डर ही था और लास्ट ऑर्डर करने वाले हम ही थे, तो उन्होंने बोला जो ऑर्डर करना है अभी कर दो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने कर दिया अपने अकॉर्डिंग। और क्या क्या ऑर्डर किया हमने? डोसा कौन सा मंगाया है? मसाला डोसा एक, और एक मंगाया है पनीर मसाला डोसा, और एक दही इडली मीठी कर्ड होती है, इडली नॉर्मल होती है, डालेंगे बीच में मतलब अनार और थोड़ी सी चटनी वटनी, वही जैसे इडली चाट होती है सागर रत्न वगैरह पे, बिल्कुल वगैरह पे नहीं, सागर रत्न पे और भी है, नैवेद्यम वगैरह भी है, सागर रत्न पर यूजुअली हम जाते रहते हैं, तो इसका फीडबैक सुना था किसी से कि बहुत अच्छा है फाइन डाइनिंग है, तो हमने कहा चलो आज एक बार ट्राई करते हैं। वैसे हम काफ़ी लेट हो गए थे, प्लान कैंसिल करने वाले थे, बट अब कुकिंग करने का टाइम भी नहीं था और मन भी नहीं था, तो फिर हम कुछ खाने आ गए।
देखने में तो सही लग रहा है। बहुत सही है। कैसा लग रहा है मम्मी? सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है। अब टेस्टी है कि नहीं वो देखते हैं। क्योंकि इसकी सुंदरता से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके टेस्ट से पड़ता है। चलो खा के बताते हैं। ये मैं बैठा हूँ भाई कोच नंबर 4 में, दिख रहा है कोच 4। थैंक यू भाइयों, मेरी आ गई है दही इडली। टेस्टी लग रही है। वैसी है। और उसमें मिर्ची डाली है ना, हरी वाली। हरी मिर्ची। हरी मिर्च कहाँ है? ओके, कट करके डाली है। बड़ी वाली। मस्त है भाई। चलो टेस्ट करते हैं। चलो तुम टेस्ट करो और ऑन द स्पॉट तुम्हारा रिएक्शन दे। मुझे वैसे सावन लगता है कि बहुत अच्छी लगती है। लेट्स सी ये बीट कर पाती है कि नहीं उसको। चलो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा इडली सांभर, मेरे को लगा सांभर ट्राई करने वाली है। क्या यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। सही पकड़े हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज। कैसी है मैम? ए बहुत ही बढ़िया ये कह रही है। थोड़ी थिक थिक है बट अच्छी लग रही है। थैंक यू। सांबर कंपैरिजन करोगे तो प्रिंस किसका ज्यादा अच्छा लगा? सागर रत्ना, मैं वैष्णव और इसका सांबर सागर रत्ना का नो डाउट ज्यादा अच्छा लगा। तो मित्रगणों, हमने खा लिया खाना। हमने मंगाया था ओनियन रवा मसाला डोसा और एक मंगाया था रवा पनीर डोसा और मंगाई थी ताहिर इडली। इट वॉज गुड और एम्बियंस बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक टूर भी दे देता हूँ इस जगह का पूरा। तो डिफरेंट कोचेस बने हुए हैं, बाकी कोई सेपरेशन नहीं है कोचेस में, बस ऐसे ही पोस्टर्स लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस ये देखो, मैं कोच नंबर 4 में बैठा था। मैं ये देखो कोच 4, मेरा कोच 3। तो ये रहे हमारे सर्विंग सर जो हमें सर्व कर रहे थे। ये इनकी रिसेप्शन बड़ी ब्यूटीफुल सी है। एंड आई हैव बीन हेयर टू दिस रेस्टोरेंट 4 ईयर्स बैक। तभी किसी और फ्रेंचाइजी के अंडर था, इमली। दे यूज टू सर्व छोले भटूरे, इडली सांभर एंड रेस्ट ऑफ द क्यूजीन्स एज वेल। बाकी यहाँ पे अभी मेन कोर्स में आपको खाना मिल जाएगा, दाल मखनी, शाही पनीर, पनीर अमृतसरी टिक्का एंड ऑल दैट थिंग्स। बाकी आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी ऑथेंटिक इनका फ्लेवर जो है वो साउथ इंडियन डिशेज में है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वही ट्राई करिएगा। और ये अच्छा था खाना। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी गुड। दे सर्व एवरीथिंग ऑन बनाना लीव्स विच इज़ वेरी नाइस। बस अब हम निकलने लगे हैं। एंड टॉयलेट मेरे पीछे ही था, मैं टॉयलेट ढूंढने गया था और मिल गया मुझे टॉयलेट। बस मैं जा रहा हूँ गाइस, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। बाय बाय। अब ले आएंगे। ये पान है, डेजर्ट के लिए देते हैं ये, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, पेड है। बट लेट्स सी कोकोनट हनी पता क्या क्या बोल रहे हैं इसमें। टेस्ट ले लेना सी, ले लेते हैं। फिर अगर टेस्ट भाई याद हुआ तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा ना। फिर टेस्ट एक बंदे का खराब होना चाहिए ना, तो हमारा एक बंदा है फिर मैं पूरा खा लेता हूं। जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पूरा खा लेता हूं। तुम पूरा खाओ फिर देखते हैं तुम्हारा रिएक्शन। एक पान की पॉलिथीन भी खुल रही है। मैं कौन सा चूना लगा दूंगा तुम लोगों को? अच्छा लगा मेरा मजाक। अबे मुंह में भी नहीं गया। बस खाओ। A few moments later. अच्छा लगा। चलो जी हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। कितनी देर में ही निपट गए हम? आधा घंटा लगा होगा मे बी, बस आधा या पौना घंटा। नहीं मम्मी कह रही है एक घंटा, तो एक घंटा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। बाय गाइस, मैं घर जा रहा हूँ। बाय बाय।